दोस्तों ये देखिए, ये जो है ना, ये सुई तार बोलते हैं इसको, और ये अम्ब्रेला सिलाई मशीन में लगता है। यहाँ पर ये जो चुटकी को रोकने के लिए होता है ये तार, अगर ये तार नहीं होगा आपकी सिलाई मशीन में, आपको जो है ना दोस्तों काफ़ी परेशानी होगी। ये तार होना ज़रूरी है आपकी सिलाई मशीन में। दोस्तों ये तार अगर आपकी सिलाई मशीन में नहीं है ना, इस सिलाई मशीन की रिपेयर की दुकान पर जाके आप ये तार ले सकते हैं। और एक इसका पेंच भी आता है, ये वाला, ये दोनों चीज़ आपको अपनी सिलाई मशीन में लगानी है। इसको लगाने से क्या बेनिफिट होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम आपको जो है ना और भी अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही अपने चैनल पर दिखाते रहे। अब इसका दोस्तों फ़ायदा क्या है वो देखिए, अगर आपको सिलाई मशीन की सुई चेंज करनी है ना, तो आप इसको चुटकी को यहाँ से खोलेंगे पीछे से, और पीछे से खोलने के बाद अब क्या होगा, जैसे सुई हमने निकाल ली और ये चुटकी गिर जाएगी, ये गिर गई। अगर ये तार इसमें होगा ना दोस्तों, ये तार अगर इसमें लगा हुआ होगा तो आपकी सिलाई मशीन की ये चुटकी गिरने की नहीं, ये यहीं पे ही रुक जाएगी। इसको लगाना कैसे है दोस्तों, ये देखिए इसमें दो खांचे होते हैं, ये देखिए एक छोटे वाला, एक ये छोटे वाला हिस्सा है और एक ये लंबे वाला, ये छोटे वाला हिस्सा है इसका और ये है लंबे वाला। ये जो लंबे वाला हिस्सा है ना दोस्तों, ये इसमें चुटकी में ऐसे लगाना है, इसमें ऐसे लगा लेंगे पीछे से, ये लगा लिया। अब इसको दोस्तों इसमें लगाएंगे ऐसे करके, यहाँ पर ये चुटकी इसमें लगाने के बाद दोस्तों, ये जो पेंच है ना, ये पेंच इसमें लगेगा यहाँ पर पीछे गज में, सुई गज में, इसको तार को रोकने के लिए इसको यहाँ पर ऐसे टाइट कर लेंगे ऐसे, ये तार भी रुक जाएगा और चुटकी भी रुकेगी। इसको पेंच को टाइट करेंगे, इसको तार को ऐसे टाइट करेंगे दोस्तों, ये देखना बाप इसको, ये हमने टाइट कर दिया तार, ठीक है। अब ये चुटकी है ना, ये देखिए बिल्कुल खुली हुई पड़ी है, अब ये नीचे नहीं गिरने की चुटकी। अगर आप इसकी सिलाई मशीन की सुई चेंज करेंगे तो आपकी चुटकी यहीं पर ही रुकी रहेगी। इसका एक तो ये फ़ायदा है दोस्तों, और एक दूसरा फ़ायदा इसका ये है, इसमें जो है ना धागा चलता है, वो सामने से बताऊंगा मैं आपको कैसे चलता है। इसमें पहले सुई लगाएंगे, इसको ऊपर करेंगे ऐसे, और अब देखिए आप ये सुई सीधा करके लगाएंगे, और फिर मैं आपको उसमें धागा डाल के दिखाऊँगा। ये सुई लगा दी दोस्तों, यहाँ से है ना, ये जो तार का हिस्सा है ना, इसमें से धागा डाल के दिखाता हूँ मैं कैसे डालना है। पहले ऊपर से धागा डाल लेंगे ऐसे, टेंशन में डाल लेंगे, ये डल गया, और अब कुंडी में इसको यहाँ पर डालने के बाद, अब आप देखना दोस्तों, जैसे हम इसमें सुई में धागा डालेंगे ना, ये सुई में धागा डाल दिया, एक ये जो मत्थे की जो किल्ली है यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ से इस तार में डाल दिया, और इस तार में ये ऐसे करके ऐसे धागा डलेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये तार है ना, इस तार में से ये धागा आएगा और नीचे जाके फिर जो है सिलाई करनी शुरू कर देगा। ये तार पे यहाँ पे है ना धागा आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप इसमें तार को लगा सकते हैं, और तार का मैंने बेनिफिट भी बता दिया आपको, तार का क्या बेनिफिट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों।